हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मैंगो स्मूदी। मैंगो स्मूदी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचाने वाली हमारी समर ड्रिंक है जो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और ये आप मेहमानों को दीजिए, बस मज़ा आ जाएगा फिर तो। और ये हम किसी बर्थडे पार्टी में, किसी भी ओकेज़न में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंगो स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आम लिया है, उसको अच्छे से हमने धो लिया है और अब हम उसको अच्छे से छील लेंगे। आप इसको एक बार बना के देखिए, ये आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि बस मज़ा आ जाता है। और हमारा गर्मियों में आम का तो सीज़न चल ही रहा है, तो क्यों ना हम इतना बढ़िया एक ड्रिंक तैयार करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है, इसको पीने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो हमारा आम कट चुका है, अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे और इसके पीस बना लेंगे। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए हमको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ हमको किचन में ही अवेलेबल मिल जाता है। मैंगो की मैंने आपको बहुत सारी स्वीट्स भी बना के दिखाई हुई है, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इनके पीस कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाली हमारी ये ड्रिंक है। तो यहाँ हमारे आम कट चुके हैं, अब मैं इसमें इसको मिक्सी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम मिक्सी जार लेंगे और इसमें अपने सारे ये पीस इसमें डाल देंगे। तो सारे हमारे जो आम के पीस हैं वो हमने इसमें डाल लिए हैं और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तुलसी के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने 8 से 9 तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तुलसी का एक पत्ता हम डेली खाएं। इससे हमारे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप दही और इसमें 2 चम्मच में इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम वो भी इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, इसमें मैं सिर्फ 2 चम्मच पानी ले रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया। अगर आपको ये और पतली बनानी है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जा सीड्स। तो जो मैंने ये 1 चम्मच पहले ही भिगा के इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, तो ये हमारी पूरी फूल चुकी है। सब्जा जो होती है उसको हम चिया सीड्स भी कहते हैं। ये मिंट फैमिली की होती है, इसमें बहुत हाइड्रेशन होता है, बहुत फाइबर होता है और इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही लो कैलोरी की होती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर, 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ चीनी ली है। आप चाहे तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब। तो थोड़ा सा हम इसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे और इसका लिड लगाकर हम इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ये हमारा पेस्ट जो है बहुत अच्छे से बन चुका है। अगर इसमें मोटे मोटे थोड़े बहुत पीस आते हैं तो आप इसको 1 से 2 बार और चला सकते हैं, नहीं तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है अगर मुंह में भी ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे हम अब एक सर्विंग ग्लास लेंगे, उसमें मैं रूह अफ़ज़ा की थोड़ी सी कोटिंग करूँगी और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिया सीड्स, जो कि हमारी ये हैं सब्जा सीड्स वगैरह। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी, ये फ़लूदा में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अब हम इसमें अपनी मैंगो की स्मूदी ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया लग रही है हमारी ये देखने में भी और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए इसमें थोड़े से मैंगो चंक्स ऐड कर रही हूँ। तो मैंगो चंक्स डालने के बाद हमारे ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है और देखने में भी इसका लुक बहुत बढ़िया आ जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेट के लिए चेरी डाल देंगे। तो देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये, और थोड़ा सा इसमें हम ये मिंट लगा देंगे। तो हमारा जो मैंगो स्मूदी है वो बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।